देखो ये चाकू नीचे कर, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई, ये सेठ जी के बीवी बच्चे नहीं। वो सेठ जी तो मरेगा, पर उससे पहले उसे उसके अपनों को खोने का दर्द महसूस करा कर रहूंगी। मेहमान तो चले गए, हम जो पैसे बचे हैं उसे चूहे मारने की दवा ले आए, शायद भगवान भी हमारे लिए यही चाहते हैं। अरे सोने के सिक्के, बिल्ली यहाँ सोने के सिक्के, ये देखो। ये कैसे चमत्कार है? हाँ ऐसे चमत्कार वही होते हैं, ये शिवलिंग जरूर कहीं आसपास ही, वो दोनों कहीं दूर नहीं गए होंगे। पूरा इलाका सर मारो, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर। मुझे परेशान करोगे ना तो राहुल तुम सबको मारेगा। पापा पापा बाबा, आप मुझे मेरे राहुल के पास लेकर चलेंगे? मुझे मेरे राहुल से मिलाइए ना बाबा। नम्रता, तुम्हें राहुल तक कोई भी नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम्हें राहुल के पास जाना है तो तुम्हें खुद उसके पास जाना हो। पर कहाँ मिलेगा मुझे मेरा राहुल? मुझे मेरे राहुल से मिलना है। ये बैग देख रही? इसे तुम्हें खींचते हुए पैदल काशी तक ले जाना होगा, वहां तुम्हें गंगा के किनारे राहुल मिलेगा। और मेरा राहुल मुझसे बात भी करेगा ना? जी हाँ बिल्कुल बात करेगा। ये बैग मैं पहुंचाऊंगी, तो जल्दी से तो मुझे काशी ले जाना है, मैं लेके जाऊंगी, मुझे मेरा राहुल मिलेगा। होश में आओ। भाभी, भाभी, भाभी हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सब चीजें उस लड़की के पास से मिली, ये शायद उसकी गाड़ी की चाबी है। चलिए। एक मिनट पकड़िए। भाभी हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लगता है ये भी हमारी तरह सेठ जी की करतूतों का शिकार है। तुम कौन हो? और ये दोनों सेठ जी भी बच्ची है ना, फिर ये यहाँ? देखो वो सब मैं बाद में बताता हूँ, वो सेठ जी उसके आदमी कभी भी आते होंगे। चलो यहाँ चलो चलो। नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकती, उस सेठ जी ने मेरी माँ को मारा, शायद मेरे पापा को भी। उस सेठ जी को तो मैं अपने चाकू से उसका गला रेत कर ही जाऊंगी। देखो वो सेठ जी और उसके आदमी बहुत खतरनाक है, तुम ये सब नहीं कर सकती अकेले, चलो मेरे साथ चलो चलो। उससे बेहतर से कौन जा सकता है? इतने मुश्किल से उसके ठिकाने तक यहाँ तक पहुंची हूँ, इस तरह खाली हाथ नहीं जा सकती मैं। लगता है कोई आगे, भाभी ये लड़की तो पागल है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो बेटी चलो, चलिए चलो।
सबसे पहले तुम कोई सम्मोहन का खेल खेलो और मुझे गुमराह करो। मैंने सोचा तुम्हारा एक खेल खत्म कर देता हूँ। शिवलिंग उठा के गाड़ी में रख दो। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो सेठ जी, किसी ने अंदर हमारे सारे आदमियों को मार दिया है। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो वो राहुल, उसकी भाभी और वो बच्ची, वो लोग यहाँ नहीं थे। शायद भाग गए कहीं। उन्होंने ही किया होगा ये सब। घर को चारों तरफ से घेर लो। अंदर से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे घर में थोड़ी शांति चाहिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले। आ चल के तुझे जरा भी हिलना मत, वरना ये गोली तेरे भेजे के आर पार होगी। चल के तुझे बंद कर ये गाना। ये गाना मेरे पापा का पसंदीदा गाना था। तुझ जैसे खूनी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। चल के तुझे गाना गाना बंद कर, वरना हमेशा के लिए तेरी आवाज बंद कर दूंगी। बाहर गाड़ी देख के मैं समझ गया कि तुम आई हो। मारना है मुझे, मारोगे। मुझे मारने से पहले मेरा चेहरा नहीं देखना चाहोगे। थे ना, या फिर मेरे पापा? नहीं, नहीं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम तुम्हारे पापा? पापा नहीं, नहीं। मरने से पहले तुम्हारे पापा का चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था ना। अपने पापा के चेहरे पर गोली चलाओगी? नहीं। हाँ गोली चलाओगे? हाँ।
मारोगी अपने पापा के चेहरे को, खत्म कर दोगी। मुझे नहीं लगता। भाभी, भाभी रुके। भाभी, भाभी मेरी बात सुनिए। बेटा, भाभी। वाह इंदर, वाह क्या खेल खेला है तुमने। आज तक मैं ये समझती रही कि मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार किया। पूरी दुनिया से लड़ती रही मैं तुम्हारी मौत का सच जानने के लिए, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। अरे हमने तो अपनी अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी तुम्हारे लिए, और आज जब जब मैं सामने आ रहा है तो इस रूप में मिंटी ने तो तुम्हें तुरंत देखते ही पहचान लिया था। राहुल ने भी मुझे कहा कि भाभी शायद मिंटी सच बोल रही है, लेकिन मैं बेवकूफ यही कहती रही कि वो बहरहम इंसान मेरा इंद्र नहीं हो सकता। और तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले, तुम जिंदा हो और ये सब कुछ। मुझे लगा तुम लोग भाग गए। नमक हमें परेशान हो रहा था। राहुल कहाँ? राहुल दिखाई नहीं दे रहा। राहुल, राहुल दिखा तो मुझे नहीं कि बाहर से जिसे मैं अपना नेक दिल पति समझ रही थी वो अंदर से इतना घिनौना इंसान निकलेगा। तुम बार बार मुझे इंदर इंदर क्यों बोल रहे हो? मैं हूं नहीं तुम्हारा पति। तुम्हारा पति मर चुका है। खुद तुमने उसका अंतिम संस्कार किया था, नहीं किया था क्या? किया था ना। तो मुझे इंदर क्यों बोल रही हो? इस चेहरे की वजह से ना। एक मिनट, ये लो सेठ जी। इंदर सेठ जी, इंदर सेठ जी, खुश। किस नाम से बुलाऊं आपको? प्रिंस डेलिन। तनवीर रहमान या फिर तनवीर रॉय। और न जाने कितने रूप हैं आपके। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे मरे हुए भाई का ऐसा रूप देखूंगा मैं। राहुल, तुम तो इतने समझदार हो, तुम मुझे इंदर क्यों समझ रहे हो? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ज्यादा लगा हो गया मुझसे? मुझे अपनी भाभी के साथ जोड़ना चाहते हो? बस इंदर, बस। बहुत हुआ तुम्हारा घिनौना नाटक। नकली दाढ़ी और बाल लगा के तो शायद मैं धोखा खा सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी होने के नाते अपने पति को समझने में धोखा नहीं कर सकती मैं। अरे भाई भी अपने भाई को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। बचपन से लेकर अपने पैरों पर खड़ा होने तक आपको मैंने अपना सब कुछ माना। अरे मेरे लिए भगवान थे आप, मेरी जिंदगी की प्रेरणा थे आप। जिस दिन आपकी मौत हुई थी ना, उस दिन ऐसा लगा था कि कलेजा बाहर निकाल लिया किसी ने। मैं आपकी मौत का सच जानने के लिए मैंने पूरी दुनिया इधर से उधर कर दी, अपनी जान खतरे में डाली, इन सब की जान खतरे में डाली। और जब सच्चाई सामने आई है तो इस रूप में ऐसी। और क्या लगता है आपको कि आप इस अपने घिनौने खेल में कामयाब हो जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि मैंने आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और उन्हें इस
इस गायत्री के फोन से इंस्पेक्टर यशपाल को भेज भी दिया। तो अब आपके खेल पर पूर्ण विराम लगने वाला है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा रिपोर्टर भाई सेठ जी बनकर नम्रता से शिवलिंग का सौदा कर रहा है। और इस शिवलिंग के सौदे से पहले भी पता नहीं कितने लोगों को अपने अपने मतलब के लिए आपने मार दिया और उसके बाद अपनी ही मौत का खेल रचा ताकि सारी दुनिया के लिए इंदर मर जाए और आप सेठ जी बनकर पैसे और शिवलिंग लेकर यहां से विदेश भाग जाए। अब मुझे एक एक पहलू जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने जैसा दिखने वाला आदमी चाहिए था ना, ताकि आप उस मंदिर में मौत का खिलौना खेल खेल सको। इसी के लिए आपने अपने गायत्री के पिता अशोक साहू से बात की। ये मेरा बेटा, देश के लिए एक खुफिया मिशन में इसकी जान चली गई। इसका अधूरा मिशन पूरा करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। आपका शरीर बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता है। छोटी सी प्लास्टिक सर्जरी करके हम आपका चेहरा बिल्कुल अपने बेटे जैसा कर देंगे। एक बार मिशन पूरा हो गया तो सर्जरी के ही जरिए आपका चेहरा आपको वापस दे दिया जाएगा। अगर आप मान जाते हैं तो आप देश के लिए बहुत बहुत बड़ी मदद करेंगे। उसे अपनी बातों में उलझा कर इस काम के लिए मना लिया, उसकी सर्जरी करवाई और फिर उस आदमी को मार दिया और मार कर अपनी जगह मंदिर में डाल दिया। भाभी, जिस आदमी का अंतिम संस्कार आपने किया था, जिस आदमी के मंदिर में मौत हुई थी, वो इंदर भैया नहीं थे, वो इस गायत्री के पिता अशोक साहू थे। मानना पड़ेगा राहुल, मानना पड़ेगा। होशियार तो तुम हो, आखिर भाई किसके हो? आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे मेरे रगों में एक खून दौड़ता है। क्या होशियारी की तुमने सब कुछ पता कर लिया? अपनी होशियारी से सब कुछ पता कर लिया तुमने, बस एक ही गलती कर दी। सब कुछ पता कर लिया, और जिसे भी मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाता है मैं उसे मार देता हूं। इस गायत्री के साथ तुम तीनों को भी मैं खत्म कर दूंगा।